हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो ऐसी इंपॉर्टेंट कमिटीज जिनके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं ये कमिटीज थी बटलर कमेटी ऑफ 1927 एंड हार्ट ऑक कमेटी ऑफ 1929 तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या थी बटलर कमेटी ऑफ नाइनटीन बटलर कमेटी को इंडियन स्टेट्स कमेटी के नाम से भी जाना जाता है और ये अपॉइंट की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर हारकोट बटलर इस कमेटी को सेटअप किया गया था ताकि क्लरिफाई किया जा सके रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स बटलर कमेटी ने 16 स्टेट्स को विजिट किया था और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1929। इस कमेटी के चेयरमैन थे सर हारकोड बटलर और इसके दो मेंबर्स थे प्रोफेसर डब्ल्यू एस होल्ड्सवर्थ एंड एस सी पील आइए अब जानते हैं क्या रिकमेंडेशंस दी थी बटलर कमेटी ने सबसे पहली रिकमेंडेशन इसने ये दी थी कि पैरामाउंसी मस्ट रिमेन सुप्रीम कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश की पैरामाउंसी प्रिंसली स्टेट पर रहनी चाहिए इसकी सेकेंड रिकमेंडेशन थी कि स्टेट्स क्राउन के साथ बाउंडेड बाय ट्रीटीज़ हैं और इसीलिए इन स्टेट्स को इंडियन गवर्नमेंट को हैंडओवर नहीं किया जाना चाहिए इन द ब्रिटिश इंडिया जब तक इस प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स की कंसेंट ना ले ली जाए और इसकी थर्ड रिकमेंडेशंस थी कि वॉइस रॉय ना कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल क्राउन का एजेंट है एस फार एस डीलिंग विद द स्टेट इज कंसर्न्ड आइए अब जानते हैं क्या थी हाटो कमेटी हाटो कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी बाय द साइमन कमीशन इन 1929 एज एन ऑक्सिलरी कमेटी हाटो कमेटी के चेयरमैन थे फिलिप हाटो और इस कमेटी को काम दिया गया था टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द एजुकेशन बेसिकली हार्ट ऑफ कमेटी को एजुकेशनल डेवलपमेंट की रिपोर्ट देने के लिए बनाया गया था आइए जानते हैं हार्ट ऑफ कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस थी हार्ट ऑफ कमेटी ने यह कहा कि प्राइमरी एजुकेशन की हालत इंडिया में बहुत बेकार है और इसका इसने दो कारण बताए फर्स्ट इज़ वेस्टेज एंड सेकेंड इज स्टैगनेशन वेस्टेज का मतलब उन बच्चों से है जिनको कि प्राइमरी कोर्स कंप्लीट करने से पहले ही स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि ऐसे में इनको दी गई एजुकेशन वेस्ट हो जाती है और स्टैग्नेशन से मतलब उन बच्चों से था जो बार बार एक ही क्लास को रिपीट कर रहे हैं हाटॉक कमेटी ने वेस्टेज और स्टैग्नेशन को मेन प्रॉब्लम बताया क्योंकि इसका मानना था कि ब्रिटिश सरकार के बहुत फ़ंड्स इनको पढ़ाने में वेस्ट हो जाते हैं और इसी कारण से हाटॉग ने प्राइमरी एजुकेशन को ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया और इसीलिए हार्टॉक ने रिकमेंड किया कि देयर शुड बी नो हिस्ट्री एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल्स और इसीलिए इन्होंने रिकमेंड किया कि पहले क्वालिटी को इम्प्रूव करना ज़रूरी है और इसके लिए इन्होंने टीचर्स की ट्रेनिंग और टीचर्स के रिफ्रेशर कोर्स भी रिकमेंड किए और इन्होंने रिकमेंड किया कि एक बार स्कूल की क्वालिटी अगर इम्प्रूव हो जाती है तो वेस्टेज और स्टैगनेशन की प्रॉब्लम जो है रिमूव कर ली जाएंगी दूसरा हार्टो कमेटी ने नोट किया कि एट द मोमेंट जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले बच्चा प्राइमरी एजुकेशन करता है एट्थ क्लास तक देन ही मूव्स टू हाई स्कूल फिर उसके बाद वो पहुंच जाता है इंटरमीडिएट स्टेज एंड देन टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन हार्टो कमेटी ने इसको मॉडिफाई करने के लिए रिकमेंड किया कि एट्थ क्लास यानी कि प्राइमरी एजुकेशन के बाद वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर दिए जाने चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं वो वोकेशनल कोर्सेज कर सकें और हाई स्कूल में वही बच्चा एंटर करे जो कि एजुकेशन में अच्छा हो हाटो कमेटी की नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन ये थी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को भी इम्प्रूव किया जाना चाहिए और इसके लिए हर किसी को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए कमेटी ने रिकमेंड किया कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड्स होना चाहिए तो दोस्तों ये थी हार्ड टॉक कमेटी की मेन रिकमेंडेशंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ की हम फ्री पी और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं थैंक यू